নলবাৰীলৈ আহিল তপস্বী তাৰা বাবা। তাৰা বাবাৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্নজনে সাক্ষাৎ কৰিছে এইজন তপস্বীক। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সনাতন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে অপশক্তিক বিশ্বাস কৰা লোকৰ মনৰ পৰা অপশক্তি আঁতৰোৱাৰ বাবে কাম কৰি অহা এগৰাকী চৰ্চিত ধৰ্মগুৰু তাৰা বাবা। নলবাৰী সৰিয়হতলীস্থিত গোশালা আশ্ৰমত উপস্থিত হৈ আশ্ৰমখন গঢ়ি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা তপস্বী তাৰা বাবা। ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে তথা অপশক্তিসমূহক দূৰীকৰণৰ বাবে যাদুৰ নগৰী খ্যাত মায়ঙৰ পৰা নলবাৰীলৈ আহিছে তাৰা বাবা। मैं मायंग कामाख्या से संत तपस्वी तारा बाबा हूँ और मेरा कार्य है विश्व शांति। बेटा एक साल हो गया यहाँ पे आया। ये कुटिया ये सबको ये सजाना उजाना सब बाबा का ही काम कर रहा। मेरा लक्ष्य है बेटा संत और हमारी संस्कृति जो है डूबता जा रहा है, सनातन धर्म डूबता जा रहा है, विश्व सनातन धर्म को मैं स्थापित करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। जहाँ पे कोई भी किसी बच्चे को कष्ट होता है, किसी की परेशानी हो जाती है, किसी ने काला जादू किया होता है, भूत प्रेत पिशाच लगा होता है, तो बाबा स्वयं जाता है और भूत प्रेतों को निकाल के लेके आ जाता है। बेटा जो अंधविश्वास कहते हैं ना वो महामूर्ख है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। न धरती आपकी है न आकाश आपका है, न जल आपका है न वायु आपकी है, न अग्नि आपकी है, और सब परमात्मा ने फ्री में दिया है, तो ये सत्य नहीं है। जब वायु सत्य है तो ये सत्य क्यों नहीं है? हमारे शास्त्र उठा के देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो तुलसीदास ने खुद बताया है। तो अंधविश्वास कैसे हो गया इस चीज को? अच्छा, आज के हम संसार में जहां ये है मृत्यु लोक, समझ रहा है, और मृत्यु लोक में हर जगह हर स्थान पर मनुष्य मरता है। जो अकाल मृत्यु मरता है वो उसकी आत्माएं भटकती है, उठती है, फिर कोई ना कोई घर का स्थापना करती है, फिर घर में प्रवेश करती है। तो हम उन चीज़ों को जो हमारे जो समाज है और उन चीज लोगों को जो परेशान करती है, कुछ आत्माएं परेशान करती है, हम उस चीज़ पर काम करते हैं कि हमें शांति बना के रखें। किसी बच्चे को किसी संतान को हमारे परमात्मा ने दी हुई मूर्ति जो हो तुम लोग, ये हमारे परमात्मा के संतान हो, हम उस चीज़ पर दुख नहीं देख सकते, इसलिए हम उस चीज़ कार्य करते हैं और विश्व शांति करना चाहते हैं। और संत समागम और संत संस्कृति जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र, विश्व हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। नलबाड़ी में कितने दिन रहेंगे आप? बेटा हमारा ये है कि जहाँ अगर जन कल्याण हुआ, किसी को कोई परेशानी हुई, आपदा आई, परेशानी आई, फिर बाबा वहाँ जाता है, फिर वापस आ जाता है अपने आश्रम में। विश्व हिंदू राष्ट्र की आपने बात बुलाई है, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप ये देखो कि अभी सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, सब हिंदू था, मुस्लिम का कोई सो नहीं था। ये कलयुग के अंदर सारे चार धर्म जो भी हैं ये कलयुग में ही स्थापित हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस कलयुग में ये सारे धर्म जो हुए हैं, हमारा हिंदू विश्व राष्ट्र, हिंदू समागम और जितनी हमारे देश में नदियां हैं सब हिंदू के नाम से है, मुस्लिम के नाम से कुछ भी नहीं है। नदियां हो गए, मंदिर हो गए, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, अयोध्या हो गए, जो भी है, तो हमारे हिंदू के नाम से ही है। हमारा संस्कृति, चार वेद, चार पुराण, सभी पुराण 18 पुराण हैं, ये सब हमारे हिंदू संस्कृति में ही है। तो ये सत्य है। तो हमारा कार्य यही है इस कलयुग में कि हम विश्व शांति बना के रखें और हिंदू विश्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नलबाड़ी पर राजेश बिश्नोई, रिपोर्ट लोकल 18।